हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल प्रीति मिस्टर्स लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो, जैसे कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, और ये सोच के कि हमें तो बस घर पे ही रहना है, काम करना है, ये सोच के बिल्कुल अपने आप पे ध्यान नहीं देती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने आप को हमेशा मेंटेन रखें, भले ही हम हाउसवाइफ हैं पर किसी से कम नहीं है। कुछ टिप्स के साथ, कुछ ट्रिक्स के साथ हम अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। सबसे पहला तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी, अपने लिए कम से कम इंसान को एक घंटा सुबह के टाइम ज़रूर अपने लिए निकाल लेना चाहिए, ताकि वो अपने आप को मेंटेन रख सके। क्योंकि हाउसवाइफ का क्या होता है, पूरे दिन काम में लगी रहती हैं, और बच्चों की देखभाल, काम, खाना पीना, कपड़े बर्तन, झाड़ू पोछा, इनमें वो अपने आप को भूल जाती है, अपने ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं देती। इनमें से मतलब इन सब में से मैं भी एक हूँ, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। कभी कभी भूल जाती हूँ, कभी कभी देती हूँ, लेकिन देना चाहिए अपने ऊपर ध्यान। कम से कम आधा एक घंटा हम सुबह अपने लिए निकाल के अपना एक्सरसाइज और योगा करें, ताकि हमारी बॉडी मेंटेन रहे। क्योंकि पूरे दिन कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, और जितना मर्जी काम हो, मैं मानती हूँ हाउसवाइफ्स को बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन ये सारा काम हमारे रूटीन में हो जाता है, रूटीन में आ जाता है सारा काम, और जो हमारी बॉडी शेप है वो बिगड़ जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हम धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस खो जाते हैं। अगर जो हमारी बॉडी शेप अच्छी होती है, हमारा मतलब मेंटेन होती है बॉडी, तो हमारे अंदर एक उत्साह रहता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है, जो कि बॉडी शेप बिगड़ने से। दूसरा ध्यान हमें ये रखना है कि स्मेल गुड आनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन काम करते करते समर सीज़न है, पसीना आता है, गर्मी लगती है, और हम सोचते हैं कि बाहर जाते हैं तो हम डियो या परफ्यूम का यूज़ कर लेते हैं, और घर पे रहते हैं तो बिल्कुल भी इन चीज़ों का हम ध्यान नहीं देते। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, मैं तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, लेकिन कई बार जैसे और लेडीज़ वगैरह मिलती हैं, सारी हाउसवाइफ्स हैं जो साथ में रहती हैं, आस पड़ोस में हैं, तो हाउसवाइफ्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पसीने वगैरह आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। पता नहीं, उन्हें खुद नहीं पता चलता है, लेकिन मतलब मैंने नोट की है ये बात, बहुत बुरा लगता है। तो हम भले ही घर में रहें, डेली यूज़ में हमें परफ्यूम का, लाइट परफ्यूम का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम में, गैस का काम होता है, किचन का काम होता है, तो बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं। तो हम सबसे पहले ये ध्यान दे सकते हैं कि परफ्यूम वगैरह का यूज़ करें। अब बात करते हैं क्लोथ्स की। तो हम जो लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, ये सोचती हैं कि हमें घर पे ही रहना है तो हम कैसे भी कपड़े पहन ले चलेगा, कुछ नहीं होता। और जैसे कि कोई आ जाता है अचानक ही, और उनके सामने भी हम ऐसे ही चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। अपने आप को हमेशा प्रेजेंटेबल बना के रखना चाहिए, ताकि कोई आए अचानक हम उसके सामने जा सकें। तो हमें स्पेशली हाउसवाइफ्स को कपड़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपने कपड़ों पे गौर करनी चाहिए, कि हम घर पे भी रहते हैं तो अच्छे से अपने कपड़े वगैरह पहन के रहें। और अगर जो हम सूट सलवार पहनते हैं तो सूट सलवार का ध्यान रखें, ज़्यादा फिटिंग का सूट सलवार नहीं अच्छा लगता है, हमेशा 1-2 इंच लूज़ का ही, जिसमें आप कंफर्टेबल भी लगे पूरा दिन पहनने में, तो 1-2 इंच लूज़ का ही मतलब यूज़ करें, ताकि आपको भी कंफर्टेबल लगे। और डेली यूज़ में कई लेडीज़ ऐसे करती हैं, सोचती हैं अगर जो आप साड़ी वेयर करती हैं, साड़ी पहनती हैं, तो उसको अच्छे से पिनअप कर सकती हैं, अच्छे से पिनअप करके रह सकती हैं, ताकि वो नीट एंड क्लीन लगे, और कोई आए तो मतलब आपको भी कॉन्फिडेंस के साथ आप उसका वेलकम करो, और आप में भी कॉन्फिडेंस रहे कि आप किसी भी वक्त कोई भी आए तो उसका वेलकम कर सको। तो साड़ी पहने तो आप पिनअप लगा के अच्छे से कर सकते हो, और अगर जो सूट सलवार पहनते हो तो उसकी जगह आप प्लाज़ो यूज़ कर सकते हो, एंकल लेंथ लेगी यूज़ कर सकते हो, जैगिंग यूज़ कर सकते हो, तो आप खुद ही फ़र्क महसूस करेंगे कि सलवार और जैगिंग लेगिंग में एंकल लेंथ पहनोगे तो आपको खुद ही अपने आप में एक फ़र्क नज़र आएगा। अब बात करते हैं अपने हेयर्स की। तो लेडीज़ होती हैं कि बस सुबह ही बन बनाया या पोनी बनाई या चोटी बनाई, बस लग गए काम में, काम शुरू कर देते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हेयर्स को कई कई दिन कॉम हुए हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा टाइम अपने हेयर्स को दें, अपने हेयर्स को अच्छे से कॉम करके आप, समर सीज़न चल रहा है तो बन बना सकते हैं, पोनी बना सकते हैं,
इस तरीके से आप अपना हेयर स्टाइल कोई भी सिंपल सा बना के डेली यूज में रह सकते हैं। बात आती है मेकअप की। घर में रहते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है मेकअप वगैरह करने का, सोचते हैं घर में ही तो है, कहाँ जाना है, कोई नहीं, मतलब कहीं नहीं जाना, कोई आने वाला नहीं है, कोई आ नहीं रहा, तो क्या मेकअप करना। लेकिन नहीं, अगर जो आप घर में रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए थोड़ा बहुत, हल्का सा लाइट मेकअप करें। अगर जो आपको काजल सूट करता है, जैसे कि मेरा फेवरेट है काजल, मैं मतलब कोई मेकअप करूँ ना करूँ मैं काजल का यूज़ ज़रूर करती हूँ, मुझे काजल पसंद है। तो अगर जो आपको काजल सूट करता है तो आप काजल लगा सकते हैं, लाइनर सूट करता है तो आप हल्का सा लाइनर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं लाइट मेकअप करके। हल्की सी लिपस्टिक लगा सकते हैं। आईब्रोज, कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लेडीज़ को, कि बस यही सोच के कहीं जाना नहीं है, कहीं जाती हैं, कोई फेस्टिवल आता है तो वही थ्रेडिंग बनाने के लिए निकलती हैं। वैसे थ्रेडिंग नहीं बनवाती हैं वो, तो हमेशा अपने आप को मतलब मेंटेन रखना चाहिए, तो थ्रेडिंग बना के हमेशा रखनी चाहिए थोड़ी सी। मैं ये नहीं कहती कि आप डेली ही पार्लर में बैठे रहो, तो नहीं, थ्रेडिंग कम से कम मंथ में एक बार थ्रेडिंग बनवानी चाहिए। आपने भी देखा होगा जिस दिन हम थ्रेडिंग बनवा के आते हैं कितना क्लीन हमारा फेस लगता है। कई लोग तो टोक भी देते हैं कि हाँ आज कुछ अलग लग रहा है चेहरा। तो आप चाहते हैं कि आप हमेशा इसी तरीके से दिखें, तो आप इस तरीके से थ्रेडिंग बनवा के रह सकते हैं, एक अलग ही लुक नज़र आएगा, एक अलग। नेल्स पे तो पता है लेडीज़ क्या करती है, कभी भी नेल पेंट लगाती है और वो छूट जाता है तो वो ऐसे ही रहता है, तो बहुत ही गंदा फील होता है इस तरीके से। या तो नेल पेंट बिल्कुल भी ना लगाएं, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं नेल पेंट बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही मेरे क्लीन रहते हैं बिल्कुल, मतलब मैं अपने नेल्स को बिल्कुल क्लीन रखती हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने नेल्स को क्लीन रख सकते हैं। अगर जो आप नेल पॉलिश लगाना चाहते हैं, आपको शौक है नेल पॉलिश लगाने का, तो आप नेल पॉलिश लगाएं, ध्यान दें, जब वो हल्के हल्के हटने लगे तो आप उसको रिमूव करके ऐसे ही कुछ दिन के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब वो थोड़ी थोड़ी छूटने लगती है तो बहुत ज़्यादा भद्दी लगती है, आप इस चीज़ पे भी गौर करें। आपने देखा होगा आमतौर पे लेडीज़ की जो हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे झड़ते झड़ते बिल्कुल पूंछ सी हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो आप अपने हेयर्स को ट्रिम करा के रखिए तो अच्छे लगते हैं। एक सार हेयर्स होते हैं, आपका कोई हेयर स्टाइल है तो आप उसे ट्रिम कराते रहें। स्ट्रेट लॉन्ग हेयर्स हैं तो उनको भी नीचे से ट्रिम कराते रहें, ताकि जो उनकी वो पूंछ सी निकल जाती है वो ना निकले। मैं ये नहीं कहती आप डेली मतलब हर मंथ कराएं, लेकिन हाँ 2-3 मंथ में एक बार आप अपने हेयर्स को ट्रिम ज़रूर कराएं। मैं साड़ी पहनती हैं या सूट पहनती हैं तो अपने फेस के अकॉर्डिंग आप बिंदी मतलब बिंदी लगा सकती हैं। अगर जो आप बड़ी बिंदी लगाती है, कभी कभी लेडीज़ क्या करती हैं, उनको बड़ी बिंदी पसंद होती है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें वो सूट कर रही है या नहीं कर रही, बस उन्हें लगाने से मतलब होता है तो वो लगा लेती हैं। हमेशा अपनी मतलब फेस को देखते हुए बिंदी का चूज़ करें। अगर जो आपके फेस पे छोटी सी बिंदी सूट करती है तो छोटी बिंदी लगाएं, बड़ी बिंदी सूट करती है तो बड़ी बिंदी लगाएं, तो आप एक स्मार्ट लुक क्रिएट कर सकती हैं छोटी बिंदी लगा के। और अगर जो आप सूट सलवार पहनते हैं तो आप अपना दुपट्टा को अच्छे से लगा सकते हैं। ये नहीं हम ऐसा होता है कि मतलब काम में लग जाते हैं, दुपट्टे को ऐसे वैसे करके कैसे ही ओढ़ लिया, मतलब कैसे ही कैरी कर लिया और काम में लग जाते हैं। अगर जो हमें सूट सलवार ही पहनना है, सूट सलवार ही पहन रहे हैं, तो दुपट्टे को अच्छे से पिनअप कर सकते हैं, स्टाइलिश वे में कैरी कर सकते हैं, तो एक अलग ही लुक देखने को मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस अपने आप में अलग ही आ जाता है। हम अच्छे से रहते हैं, अपने आप को अच्छे से मैनेज करके रहते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं या अच्छे से मेकअप करके रह रहे हैं, अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप में देखने को मिलता है। हाउसवाइफ है, किसी से कम नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत अपना के ट्रिक्स को तो हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाली हूँ आपके लिए कि हाउसवाइफ मेकअप में डेली यूज़ में क्या यूज़ करें। तो अगर जो आप चाहते हैं मैं लेकर आऊँ ये वाली वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग